हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान दीजिएगा, रोहित डिपॉजिटेड ₹8,000 विद अ फाइनेंस कंपनी फॉर 3 ईयर्स एट एन इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट रोहित गेट्स आफ्टर 3 ईयर्स। तो रोहित ने कितना डिपॉजिट किया? 8,000 रुपीज़, यही आपका प्रिंसिपल है, और फाइनेंस कंपनी में 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए कर दिया, और इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 15% पर एनम मिल रहा है। तो बताना हमें है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा रोहित को जो मिलेगा 3 ईयर्स बाद। तो याद रखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो एक्सरसाइज 14.1 में दिया हुआ है और विदाउट यूजिंग फार्मूला हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम पहले 1 साल का निकालेंगे इंटरेस्ट, उसके लिए जो प्रिंसिपल यूज़ करेंगे वो कितना यूज़ करेंगे, तो शुरू में दिया हुआ है जो वही यूज़ करेंगे, 8,000 एज ए प्रिंसिपल, ठीक है, ओके। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करेंगे 15% एंड टाइम इज 1 ईयर। टाइम 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट ईयर के निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा फॉर द फर्स्ट ईयर, यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर इसके फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए इज इक्वल टू हो जाएगा PRT P R T/100। दिस इज द फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ओके। 8,000 इंटू 15 अप इंटू 1 अपान 100, दो जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पर, 15 एट जा 120, और एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, सो ये हो गया 1200 रुपीज़, ओके। तो 1200 रुपीज़ आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका अब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल आप यूज करेंगे कितना, प्रिंसिपल अब हो जाएगा 8,000 प्लस इसमें ऐड कर देंगे 1200, तो ये हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। यहाँ पर ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 9,200, ठीक है, इतना रुपीज़ आप यूज़ करेंगे एज ए प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करेंगे 15% ही, और टाइम जो रहेगा वो सेकेंड ईयर के लिए निकालना है 1 साल के लिए, तो 1 ही रहेगा। सो वी विल गेट द सिंपल इंटरेस्ट अगेन फॉर द सेकेंड ईयर, यहाँ लिख देते हैं सेकेंड। तो सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P R T, ये वही फॉर्मूला लगाना है, अपॉन 100 इज इक्वल टू P आपका यहाँ पे हो जाएगा 9,200 बाई R, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15 है, 15% इंटू 1 अपॉन 100, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 2 0 3 कैरी ओवर एंड 15 9 135 138, सो 1380 रुपीज़ आपका आ गया इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब ये क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल अब फिर से निकाल लेंगे फॉर द थर्ड ईयर, तो आपका जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए पिछले साल कितना प्रिंसिपल था, इतना था, तो 9200 में हम यदि ऐड कर देंगे ये जो इंटरेस्ट आया है 1380, ठीक है, ये ऐड करना पड़ता है आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ठीक है, तो ये जो ऐड करेंगे तो मिल जाएगा आपको प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर में जब यूज़ करेंगे प्रिंसिपल वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 08 325 and 9110, 10,580 रुपीज़, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ करेंगे हम 15% ही, आफ्टर दैट जो टाइम होगा, टाइम तो हम 1 ईयर ही यूज़ करेंगे फॉर द थर्ड ईयर आल्सो, तो 1। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा वही जो सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला होता है, PRT/100, सो यहाँ मिल जाएगा P की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे इतना, 10,580 × R, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, 15 × 1/100, ठीक है, 10 कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 3 15 एंड 5 2 10 2 1 2, और यहाँ से 2 5 10 2 2 4 एंड 2 9 18, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 9 18 का 8 नहीं सॉरी 27 का 7 2 करी ओवर एंड 3 2 6 एंड 6 and 8 एंड 3 5 15 मीन्स 1587 रुपीज़। तो देखिए अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट,
मीन्स आप ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली 1200 प्लस 1380 प्लस ये 1587, सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 700 मीन्स 7 एंड 88 16 एंड 0 तो 16 का 6 वन कैरी ओवर एंड 516 6 एंड 3 9 9 एंड 2 11 का 1 वन कैरी ओवर एंड 1 1 2 3 4, सो 4167 पॉइंट 00 लगा सकते हैं आप। इतना रुपीस आपका जो है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है टोटल, ठीक है। दिस इज द वे यू कैन सॉल्व इजिली। तो यहां पर मैंने किया क्या है, पहली बार मैंने प्रिंसिपल ले लिया है 8000 जो दिया हुआ था और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 15%, टीजी वन टाइम जो है 1 ईयर यहां पर है, सिंपल जो स्पेल निकाल लिया हमने, ठीक। वैसे ही हमने क्या किया, दूसरी बार दूसरे साल के लिए हमने जो प्रिंसिपल है वो निकाला इस तरीके से कि जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया था यहाँ पर उसको हमने ऐड कर दिया प्रिंसिपल में। पिछले वाला प्रिंसिपल कितना था, 8000, 8000 में 1200 ऐड कर दिया यहाँ पर, फिर ये हो गया 9200। अब इतना यूज करेंगे सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 92000 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 1/100 सॉल्व करने मिल गया हमें इतना। और ये जो मिला हुआ है इसको हम फिर से ऐड कर देंगे किसमें, 92000 में। यहाँ ऐड करने पर मिल जाएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर ये इतना है, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल की जगह पे ये इतना यूज़ कर लिए और फिर सॉल्व करने पर मिल गया हमें तीसरे साल का इंटरेस्ट। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो तीनों साल का जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है उन तीनों को यदि ऐड कर देंगे तो वही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फॉर थ्री ईयर्स। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।